अखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसांतकम् नामापि ते च मधुरम् मधुरम् स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरम् मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिम् प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिम् विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मोरहो रसिका भुवि भावुका। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। इसको श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, सार्थक चैनल की ओर से
इस संगोष्ठी का समायोजन हुआ है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में गुप्त अथवा प्रकट जिन महानुभावों का योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना। सज्जनों, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। सनातन वैदिक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में ख्यापित करते हुए कहा कि जीव का और बुद्धि का यह स्वभाव है कि सत्य का पक्ष ले। बुद्धि सदा ही सत्य का, तत्व का पक्ष लेती है। जीव स्वयं भी सत्य का, तथ्य का ही पक्षधर होता है। श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों में सामंजस्य साधकर जो बात कही जाती है उसका प्रभाव परे बिना नहीं रहता है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सामंजस्य साधकर जो बात कही जाती है उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। मेरा अनुभव है, कई वर्षों से विश्वविद्यालय वैज्ञानिक संस्थानों में मेरा प्रवचन भारत के विभिन्न प्रांतों में, स्थलों में हो रहा है। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साधकर जिन तथ्यों को भगवत कृपा से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसके प्रति सभी श्रोता आह्लादित हैं, समर्पित हैं। उसके समर्थन में सबकी भावना प्रयुक्त और विनियुक्त है। ऐसी स्थिति में जो प्रचार तंत्र है, यदि वह अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह करे तो जनता में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। सत्य के प्रति जनता आस्थान्वित होकर भव्य भारत और भव्य विश्व की संरचना में अपनी प्रशस्त भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकता है। हम एक संकेत करते हैं, धर्म क्या है? सिद्ध धर्म और साधन कोटि का धर्म, दोनों को समझने की आवश्यकता है। जिस गुण के कारण किसी भी वस्तु का अस्तित्व और उसकी उपयोगिता सिद्ध हो उसका नाम वस्तुनिष्ठ धर्म होता है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी कब तक है? जब तक उसमें गंध नाम का गुण धर्म सन्निहित है। गंध नामक गुण धर्म को कर्षित कर लेने पर पृथ्वी पृथ्वी नहीं रह जाती। जल, जल कब तक है? जब तक उसमें रस नामक गुण धर्म सन्निहित है। रस विहीन जल अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। तेज, तेज कब तक है? जब तक उसमें रूप नामक गुण धर्म सन्निहित है। तेज से रूप नामक गुण धर्म को कर्षित कर लेने पर तेज तेज नहीं रह जाता। पवन या वायु, वायु कब तक है? जब तक उसमें स्पर्श नामक गुण धर्म सन्निहित है। स्पर्श विहीन वायु तत्व अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं। आकाश, आकाश कब तक है? जब तक उसमें शब्द नामक गुण धर्म सन्निहित है। निसर्ग सिद्ध शब्द नामक गुण धर्म से विरहित होकर आकाश अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। तद्वत मनुष्य, मनुष्य कब तक है? जब तक सेवा, संयम, सहानुभूति, परोपकार, भगवत भक्ति आदि
मानवोचित शील और संयम से संपन्न उसका जीवन है। अगर शील विहीन मनुष्य हो गया तो मनुष्य अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। यह सिद्ध कोटि के धर्म का स्वरूप मैंने बताया, अब साध्य कोटि का धर्म क्या है इस पर विचार करें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचारी, अपरिग्रह, वेदादि शास्त्र सम्मत, यज्ञ, दान, तप, ये सब साध्य कोटि के धर्म हैं। अगर साध्य कोटि के धर्म को हम अपनाते हैं, सिद्ध करते हैं, अनुष्ठान के माध्यम से उसे व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं, समर्थ होते हैं, तो हमारा जीवन दिव्य बनता है। भगवान मनु ने कहा, महायज्ञेष्ट यज्ञेष्ट ब्राह्मीयम कृते तनु, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा हमारे देहेंद्री प्राणांतःकरण में दिव्यता का सन्निवेश होता है और दिव्य जीवन भगवत तत्व की ओर ही समाकृष्ट होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जंग आदि कालुष दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ होने पर वह लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है। इसी प्रकार वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के द्वारा जब व्यक्ति अपने चित्त को निर्मल और निश्चल कर लेता है तो उसका चित्त एकमात्र भगवत तत्व की ओर, परमात्मा तत्व की ओर ही समाकृष्ट होता है। तो मीडिया के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से हम धर्म राज्य की प्रस्थापना में समर्थ हो सकते हैं। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र के बिना भारत का अस्तित्व सुरक्षित रहे कह पाना कठिन है और भारत अपने आदर्श को बनाए रखे या कह पाना भी कठिन है। अतः धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की उद्भावना में भारत का प्रचार तंत्र अपनी सहभूमिका, सहभागिता का परिचय दे, यह आवश्यक है। सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता आज राजनीति का पर्याय बन चुकी है भारत में। सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता भारत में राजनीति का पर्याय है। प्रायः अधिकांश जो प्रचार तंत्र हैं, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वे तो शासन तंत्र का अनुगमन करने वाले हैं या व्यापार तंत्र का अनुगमन करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में देश में उन्माद फैलाने में तो प्रचार तंत्र समर्थ हो रहा है, लेकिन अपने वास्तविक दायित्व के निर्वाह में दूर से भी उपयोगिता सिद्ध करने में असमर्थ है। हमने एक विश्वविद्यालय में पत्रकारिता पर प्रवचन किया था, उसमें संकेत किया था कि देवर्षि नारद आदर्श पत्रकार माने जा सकते हैं, प्रचारक प्रसारक माने जा सकते हैं। देवर्षि नारद ने हिरण्यकश्यपु के दिशाहीन शासन तंत्र को उच्छिन्न करने की भावना से उसी के गर्भगत शिशु प्रहलाद को नीति और अध्यात्म का उपदेश दिया। कालक्रम से प्रहलाद का जन्म हुआ, वो चलते फिरते आत्मबम हो गए। न तो गाली का प्रयोग किया, न गोली का प्रयोग किया, क्योंकि देवर्षि नारद के द्वारा उन्हें नीति और अध्यात्म का प्रशिक्षण प्राप्त था। उन्मादपूर्ण शासन तंत्र हिरण्यकश्यपु का था, उसे रसातल में पहुंचा दिया प्रहलाद ने। एक क्रांतिकारी भक्त को उद्भासित किया कि इन्होंने, देवर्षि नारद ने। पत्रकार का, चैनल के प्रभारी आदि का भी यह दायित्व है कि वो भारत में धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करे। उन्मादपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करने की भूमिका प्रचार तंत्र न प्रस्तुत करे, यह हमारी भावना है। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि राजनीति की स्वस्थ परिभाषा प्रचार तंत्र को मालूम हो।
सनातन वैदिक शास्त्रों का मंथन करके विश्व स्तर पर मैं राजनीति की स्वस्थ परिभाषा उद्घोषित कर रहा हूँ। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना विश्व स्तर पर राजनीति की स्वस्थ परिभाषा है। इसको क्रियान्वित करने का मार्ग प्रचार तंत्र प्रशस्त करे तो उसकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है, नहीं तो कोई बाबा बनकर, कोई बाबू बनकर, कोई मीडिया प्रभारी बनकर पेट पालने का काम करता है, वो तो चलता रहेगा। उज्ज्वल राष्ट्र की संरचना का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। हमने ब्राह्मणों से दो शब्दों को लिया, सुसंस्कृत सुशिक्षित, क्षत्रियों से सुरक्षित एक शब्द को लिया, वैश्यों से संपन्न एक शब्द को लिया, शूद्रों से सेवा परायण एक शब्द को लिया और चारों तंत्रों से स्वस्थ सर्वहितप्रद शब्दों को लिया। सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवा परायण स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना में मीडिया तंत्र प्रचार तंत्र अपनी सहभागिता प्रस्तुत करे। साथ ही साथ एक विचित्र तथ्य है, दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके जो तथ्य प्रकाशित किया जाता है उसे व्यक्ति का हृदय स्वीकार करता है। इसलिए मैंने संकेत किया सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति को लें, उसका प्रचार प्रसार करें तो भारत में उज्ज्वल क्रांति की स्थापना हो सकती है। अभी तो भारत अंधेरे में भटक रहा है, अंग्रेजों की अंधानुकृति ने भारत को दिशाहीन कर दिया है। इस समय का भारत अपने अस्तित्व आदर्श की सुरक्षा कर सके सर्वथा असंभव परिलक्षित होता है। इधर मीडिया तंत्र का ध्यान जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारी शिक्षा पद्धति जो स्वतंत्र भारत में क्रियान्वित है अपनी नहीं है, मेकाले के द्वारा चलाई गई है, उसे हम अभिशाप न समझकर वरदान समझ रहे हैं। हमारी रक्षा की प्रणाली अपनी नहीं है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प भारत में अपने नहीं है, सेवा और उद्योग के प्रकल्प भारत में अपने नहीं है। बुरा न मानो होली है, संविधान की आधारशिला भारत में अपनी नहीं है। जब अपना कुछ भी नहीं है तो बबूल का पेड़ बो करके आम अमरूद और अंगूर का फल चाहे कैसे संभव है। अपना कुछ भी नहीं है, भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय विवाह आदि जितने प्रकल्प भारत में विकास के नाम पर क्रियान्वित किए जा रहे हैं ये अपने कुछ भी नहीं है। जो कुछ पुराना है उसको मिटाने का अभियान ही तीव्र गति से क्रियान्वित है। तो अंधानुकरण, पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण भारत को कहाँ ले जाएगा। एक और मैं संकेत करना चाहता हूँ, आर्थिक दृष्टि से माना जा रहा है कि भारत उत्कर्ष की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन यह भी भ्रम ही है क्योंकि मैं डंके की चोर से कह सकता हूँ और सिद्ध कर सकता हूँ कि दरिद्रता के जितने स्रोत हैं आयाम हैं उन्हीं को भारत भी समृद्धि का स्रोत मान रहा है। विश्व में जितने आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वे अर्थ की परिभाषा ही नहीं जानते। दरिद्रता के जितने स्रोत हैं पूरा विश्व विशेषकर नकलची देश भारत उन्हीं को समृद्धि का स्रोत मान रहा है। द्यूत जुआ लाटरी सट्टा हिंसा मद्य नशीली वस्तुएं स्पृहा इत्यादि 15 अनर्थ के हेतु भागवत में बताए गए। उन अनर्थ के हेतुओं को ही भारत अर्थ में उपयोगी समझ रहा है। तो मैंने संकेत किया कि वेद विहीन विज्ञान के आधार पर भारत को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वेद विहीन विज्ञान मारक होता है तारक नहीं। आज पूरे विश्व में वेद विहीन विज्ञान का आलंबन लेकर को जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया जा रहा है
उसके गर्भ से ऊर्जा के आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत जो चार स्रोत हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन, ये सब के सब क्या हो रहे, विकृत दूषित क्षुब्ध हो रहे। और एक विचित्र बात है, जितने हमारे प्रशस्त मान बिंदु सर्वहितप्रद हैं, वे सब विकास के नाम पर विकृत दूषित और विलुप्त होने के कगार पर हैं। जैसे गोवंश है, गंगा है, महोदधि आदि हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जितने हमारे प्रशस्त मान बिंदु हैं, सती साध्वी गोवंश गंगा इत्यादि, विकास के नाम पर हम सबको विकृत किए जा रहे हैं, दूषित किए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि अंत में विलुप्त करने के कगार पर पहुँचा रहे हैं। तो सर्वथा विपरीत विज्ञान के कारण हम विकास के नाम पर विनाश के कगार तक पहुँच सके हैं। इसलिए मीडिया तंत्र का दायित्व होता है कि वह समाज को जागरूक करे। घटना का केवल अनुवाद करना ही प्रचार तंत्र का दायित्व नहीं है। घटना तो आजकल एक से एक भयंकर न सुनने योग्य घटती है, शिलापहरण इत्यादि। उत्तम घटना समाज में घटे, इसकी भूमिका प्रस्तुत करना प्रचार तंत्र मीडिया तंत्र का दायित्व होता है। समझ गए, समाज में उत्तम घटना कैसे घटे, जिस मार्ग की ओर दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए उधर समाज ना जाए, इस वातावरण को प्रस्तुत करना भी प्रचार तंत्र का दायित्व होता है। लेकिन दाल में नमक के समान भी मीडिया तंत्र की आज इधर भूमिका नहीं है। बल्कि एक विचित्र बात है, बुरा न मानो होली है, किसी सज्जन को राक्षस दुर्जन सिद्ध कर देना प्रचार तंत्र के लिए चुटकी बजाने का काम, और किसी राक्षस शोषक को सज्जन बनाकर प्रस्तुत कर देना भी उसके बाएं हाथ का खेल है। इसका मतलब क्या, हर विभाग में मीडिया तंत्र का हस्तक्षेप इतना हो गया है कि कोई सज्जन बोलना भी पसंद नहीं करता, न जाने हमारे वाक्य को किस रूप में प्रस्तुत करके बहस का विषय बना दिया जाए। तो दिशाहीन व्यापार तंत्र की ओर जो प्रचार तंत्र को घसीटा जा रहा है, उससे राष्ट्र का भला नहीं है। एक सूचना तो क्या संकेत करता हूँ, एक अश्लील मनोरंजन बनाया गया। एक जस्टिस ने हमको एकांत में बताया, एक अश्लील मनोरंजन जिस परिवार ने बनाया, उससे वह जस्टिस ने पूछा, न्यायाधीश ने या न्यायमूर्ति ने पूछा, मध्य प्रदेश की बात है, आपने जो सिनेमा तैयार किया है वो आप लोग देखते हो या नहीं। उसने क्या कहा मालूम है, हमको नरक में जाना है, मरना है, बर्बाद होना है। समझ गए, अगर वो समाज के लिए उपहार है, वरदान है, तो तुम उससे वंचित क्यों हो। इसका मतलब पूरा समाज नरक में चला जाए, गिर जाए, मादक द्रव्य से मनोरंजन का ग्रास बन जाए, लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित रहे। जिसको स्वयं देखने योग्य सुनने योग्य नहीं मानता है, उसी सिनेमा का उसने उद्भावना करके क्या किया, प्रचार किया, प्रसार किया। तो हमने एक संकेत किया। एक विचित्र बात है, सुनिए, पत्रकारों की उपयोगिता है या नहीं, देश में है। घर की पत्रकारिता करके देखिए, घर नरक बनेगा या स्वर्ग, ध्यान गया। घर में बहू रानी रूठ गई, बेटे बेटी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, घर की पत्रकारिता अगर कोई पत्रकार करे तो उसका घर नरक बनेगा या स्वर्ग, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। समाज के लिए वकील चाहिए या नहीं, अधिवक्ता एडवोकेट चाहिए या नहीं, तो कचहरी में वो वकालत करता है, अपने घर के वकालत वैसे करे तो घर नरक बनेगा या स्वर्ग, इस पर विचार करना चाहिए। चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो नग्न दृश्य उपस्थित करते हैं, अपने घर का नग्न दृश्य अगर उसी प्रकार चित्रित करें तो घर नरक बनेगा या स्वर्ग। समाज के लिए पुलिस की आवश्यकता है या नहीं, पुलिस वाले सुन रहे होंगे, कचहरी में बैठकर और बेंच लेकर घूमते समय जो व्यवहार करते हैं, कहीं अपने परिवार के साथ वो पुलिस वाले वैसे व्यवहार करें तो उनका परिवार नरक बनेगा या स्वर्ग। अब हम कहते हैं
न्यायाधीश की भी आवश्यकता है, वकील की भी आवश्यकता है। बहू रानी को 5 कोड़े, बेटे को फांसी की सजा, बेटी को 10 डंडे। अब लोग क्या मतलब घर नरक बन जाएगा। तो न्यायाधीश की आवश्यकता है, वकील की आवश्यकता है, पत्रकार की आवश्यकता है, चैनल की आवश्यकता है, पुलिस की आवश्यकता है, लेकिन इन सबको इस अकल की भी आवश्यकता है कि घर नरक न बने। यह अपना घर के प्रति, अपने घर के प्रति मातृबुद्धि और राष्ट्र के प्रति मातृबुद्धि नहीं है क्या? जो काम वकील करते हैं, न्यायाधीश करते हैं, पुलिस करते हैं, चैनल वाले करते हैं, पत्रकार करते हैं, उसको दायित्व समझकर निभाते हैं, अपने परिवार के साथ अगर वही काम करें तो घर नरक बन जाएगा। तो समाज के प्रति अपना तो नहीं है ना, परिवार बुद्धि नहीं है, इसलिए सर्वत्र दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। तो धर्म उसको कहते हैं जिसके द्वारा जीवन की सार्थकता ही संभव नहीं है, किसी वस्तु और व्यक्ति का अस्तित्व ही संभव नहीं है। इस ढंग से अगर हम धर्म को उद्भाषित करेंगे तो क्या होगा, प्रचार तंत्र में 4 चांद लग जाए। और एक विचित्र बात है, लोग समझते हैं कि विवादास्पद विषय को चैनल के माध्यम से प्रसारित नहीं करने पर चैनल नहीं चलेगा, बिल्कुल भ्रम है। सत्य का प्रचार करें, समाज को सन्मार्ग दिखावें, इतना प्रचार होगा आपके चैनल का या किसी भी चैनल का, लोग सत्य के प्रति पक्षधर होते हैं। सत्य क्या करता है, हृदय को पहले जीत लेता है। ऐसी स्थिति में हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया कि सत्य, न्याय, धर्म, ये सब राष्ट्र को सही मार्ग देने वाला काम चैनल के माध्यम से हो। जैसे बहस कराते हैं, एक वैज्ञानिक ने मेरी गोष्ठी में कह दिया, जब से मेरे संस्थान में मिसाइल जहाँ पर बनती हैं, शंकराचार्य गए, कोई भी मिसाइल विफल नहीं हुआ। अब इसी को विवाद का विषय बना दिया, ये कैसे हो सकता है, किसी संत के जाने पर सभी काम अच्छे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये भी कोई विवाद का विषय है। तो हमने एक संकेत किया कि विवेक पूर्वक मीडिया काम करे तो राष्ट्र की भव्य संरचना में इसका ही स्वस्थ भूमिका हो सकती है। तो बहुत कुछ मैंने संकेत किया, इसलिए भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति भारत के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त किस प्रकार हो, इस चीज़ को उठाइए आप। अभी केंद्र या प्रांत में कोई शासन तंत्र नहीं ऐसा है, न पहले था, जो भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का भारत के हित में प्रयोग और विनियोग करे, और पूरे विश्व के हित में प्रयोग और विनियोग करे। हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति से पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है, लेकिन हमारी इन चारों शक्तियों का अत्यंत दुरुपयोग विश्व में हो रहा है। भारत का जो शासन तंत्र है उसमें ऐसी क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का भारत के हित में उपयोग करे और विश्व के हित में भी प्रयोग करे। अभी ट्रंप इत्यादि, उससे पहले ओबामा आदि भारत पर क्यों लट्टू थे जी? या ट्रंप आदि नए जो राष्ट्रपति अमेरिका हैं, भारत पर क्यों लट्टू हैं मालूम है? भारत जब अमेरिका की ओर जाता है, भारत के प्रधानमंत्री या और कोई राष्ट्रपति आदि जब अमेरिका की ओर जाते हैं, किस भावना से जाते हैं जी? अर्थ का वहाँ भंडार है। लेकिन अमेरिका जब भारत की ओर कदम उठाता है, वहाँ के राष्ट्रपति जब भारत की ओर कदम उठाते हैं, तो वो समझते हैं भारत जैसा मार्केट विश्व में हमें कहीं नहीं मिलेगा। अभी ट्रंप क्यों भारत से हाथ मिला रहे हैं? उनकी सारी सामग्री भारत खरीदे, इसका मतलब क्या है? भीष्म जी ने एक संकेत किया, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राष्ट्र को, देश को, प्रांत को, अपने व्यक्तिगत जीवन को बाजार का सौदा नहीं बनाना चाहिए। और भारत की आधारशिला क्या है? भारत को बाजार का सौदा बना दो, भारत का उत्कर्ष होगा। अभी आपका ध्यान गया या नहीं, मीडिया तंत्र ही नहीं, हर व्यक्ति अपने को बाजार का सौदा बनाना चाहता है।
प्रायः एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, अपवाद को छोड़ दीजिए, बाबा समझते हैं जो बाबा हो गए, घर द्वार छोड़ दिया, 25-30 करोड़ रुपये से खेलेंगे नहीं तो बाबा होना व्यर्थ। माने बेस का भी क्या उपयोग हो गया, बाजारीकरण हो गया या नहीं। पत्रकार समझता है पत्रकारिता को व्यापार तंत्र नहीं बना पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ, चैनल यही समझता है। इसका मतलब ये प्रायः जो श्रृंगारें चल श्रृंगार सिनेमा के माध्यम से देवियां जो श्रृंगार नए ढंग से करती हैं, देखते ही हैं, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करते, बाजार के सौदा, व्यक्ति का चित्त हमारी और इतना आकृष्ट हो जाए कि मुग्ध हो जाए, मतलब हर व्यक्ति अपने को बाजार का सौदा बनाने के लिए तत्पर है। हर संस्थान कोई बाबू बन करके कोई बाबा बन करके बाजार का सौदा बनना ही बनना है, बनाना ही बना है। लेकिन भीष्म जी ने सावधान किया, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राज्य को, व्यक्ति को, देश को, विश्व को बाजार का सौदा न बनावे। अब भारत का उत्कर्ष कैसे होगा, भारत तो बाजार का सौदा बनने के लिए 70 वर्षों से तैयार है। पहले तो लाचारी थी, जिन लोगों ने भारत पर, जिन तंत्रों ने भारत पर शासन किया उन्होंने लूटा, हमारे कोहनूर को ले गए, भारत में दमखम है कि कोहनूर वापस कर सके, रणजीत सिंह से संबद्ध है, श्री जगन्नाथ मंदिर से कोहनूर संबद्ध है, तो हमने क्या संकेत किया, उस समय लाचारी थी कि विदर्भियों ने हम पर शासन किया, भारत को लूटा, बाजार का सौदा बनाया, अब हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में हम भारत को विकसित करने के लिए क्या करते, बाजार का सौदा बना दो। चैनल वाले भी सोचते जब तक हम बाजार का सौदा नहीं बना पाए अपने चैनल को तब तक सार्थक नहीं। पत्रकार और पत्रकारिता की भी यही स्थिति है, इसलिए हमने संकेत किया। और एक 2-3 मिनट और संकेत करें, विदेशी शासन तंत्र में भी इतना आघात हमको नहीं प्राप्त हुआ जितना स्वदेशी शासन तंत्र में है। स्वदेशी शब्द आजकल बहुत चलता है, कहाँ लिखा है, महाभारत में, राजा पांडु की अस्थियों को, दाह संस्कार पहले हो गया था शरीर का, राजा पांडु की अस्थियों को स्वदेशी वस्त्र से ढका गया, वहाँ स्वदेशी शब्द का प्रयोग है। लोग समझते हैं कि नया शब्द है, महाभारत में स्वदेशी शब्द का प्रयोग है, राजा पांडु की अस्थियों को स्वदेशी वस्त्रों से ढका गया। तो हम एक संकेत कर रहे हैं, भारत में अनाज के बीज अपने हैं, मिटाए जा रहे हैं नहीं, भारत के शासन तंत्र को अपना अनाज का बीज पसंद नहीं है, जिन बीजों को भूमि हमारी सैन्य शक्ति उन बीजों का आदान करते हैं, किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य है, हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है, क्योंकि पाश्चात्य विधा से कृषि विज्ञान को विकसित करने का फल है आत्महत्या आत्महत्या। बीज के नाम पर दलाली में कमीशन पा करके जो हम मंगाते हैं वो तीसरी कक्षा में जाकर, तीसरी परंपरा में जाकर बीज रह ही नहीं जाता। इसका मतलब जिस देश को अपना बीज पसंद नहीं, अपनी भाषा पसंद नहीं, यहाँ तक कि अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के बीज को विलुप्त करने के लिए उन्मादपूर्ण विवाह पद्धति को विकास के नाम पर क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं। इतना अत्याचार तो हमारे ऊपर विदेशियों के शासन तंत्र में नहीं हुआ, बीज का लोप, गोवंश के बीज का लोप हो रहा है या नहीं। गाजर मूली की तरह कट्टी खाने में काट दो, फिर जो बच जाए जर्सी सांड के माध्यम से उनका वंश ही विकृत कर दो। अब जो विवाह की नई प्रथा चल रही है विकास के नाम पर, उससे तो न ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, न क्षत्रिय क्षत्रिय, न वैश्य वैश्य, न शूद्र शूद्र, न अंत्यज अंत्यज। इसका मतलब क्या है, बीज का ही विलोप हो जाएगा। किसी भी देश के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए बीज पर प्रहार कर दो। इसका मतलब सूक्ष्म रीति से इन सब तथ्यों को प्रसारित करना चाहिए। आप महानुभावों को जानकर विशेषता होगी, केवल 2 दिनों में अभी देश की दिशा और देश की दशा और अपेक्षित दिशा नामक एक पुस्तक हमने लिखी है भगवत कृपा से, लगभग 50 पृष्ठों में है, छोटी साइज है, देश की दशा और अपेक्षित दिशा, वो ग्रंथ अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छप के आ जाएगा। उससे उसका अगर प्रचार प्रसार हो, उड़िया में भी अनुवाद हो, अंग्रेजी में भी अनुवाद,
कर पाना बहुत कठिन है हमारे ग्रंथ का अनुवाद, तो आंखें खुल जाएंगी। केवल आप तो हमारे हम आपने प्रश्न तो कर दिया, हम लिखित उत्तर आपको पहले ही दे चुके हैं। जब हमको मालूम पड़ा कि यहाँ बोलना है, और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी में पुस्तकालय में मेरा लगभग 1.5 घंटे तक प्रवचन हुआ था। उन लोगों ने बहुत विचित्र बात कही। प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भावना व्यक्त की कि हम बार एसोसिएशन में आना चाहती हैं, मना कर दिया गया। लेकिन उन लोगों ने हमें बहुत आस्थापूर्वक अपने लाइब्रेरी में बुलाया, लगभग 1.5 घंटे तक हमारा प्रवचन सुना। विषय क्या था? देश की दशा और अपेक्षित दिशा। तो इसके आधार पर अगर चैनल चले, देश की दशा क्या है और अपेक्षित आवश्यक दिशा क्या है, तो मामूल चूल परिवर्तन मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में हो सकता है। हम एक संकेत करना चाहते हैं, और प्रिंट मीडिया ये सब ने बहुत साथ भी दिया है। अभी जो यहाँ के मठ मंदिरों का अधिग्रहण, शंकराचार्य के मठ को लुप्त करने का षड्यंत्र, मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में भी मठ मंदिरों के प्रति जो अत्याचार नहीं हुआ, उसको उड़ीसा का शासन तंत्र कर रहा है। इस चीज़ को मैं कहूँगा तब आप उछालेंगे क्या? आपको मालूम है जिस मठ ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, गोवर्धन मठ के 143 में माननीय जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने, भारती कृष्ण जी महाभाग ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। अंग्रेजों को कहा भारत खाली करो, मुंगेर के जेल में 1 वर्ष तक रहे बिहार में। जिन हमसे पहले जो शंकराचार्य थे, 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के अनशन किया। भारती कृष्ण जी महाराज के पहले जो शंकराचार्य थे, उन्होंने विश्व को शक्तिपात की विलुप्त दीक्षा का क्रम उद्भाषित किया। ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ है, शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष का संस्थान गोवर्धन मठ है। यहाँ का शासन तंत्र इसको नष्ट करने के लिए तुला हुआ है, और ये जो मठ मंदिर हैं, शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष के संस्थान हैं, इनको भी विलुप्त करने के लिए शासन तंत्र उद्यत है। तो लगता है कि छलबल डंके के चोर से उड़ीसा के शासन तंत्र का संचालन कहाँ से हो रहा है? पोप तंत्र से हो रहा है। एक एक प्रांत की ओर आप दृष्टि दीजिए, पश्चिम बंगाल हो, कोई भी अमुक अवश्य हो, कोई भी प्रांत हो, आपको नहीं लगेगा कि भारत का कोई शासन तंत्र किसी प्रांत में है। किसी का संचालन रूस से, तो चीन से, किसी का पाकिस्तान से हो रहा है, तो किसी का पोप तंत्र से। इसका मतलब क्या है? भारत में तो अपना कुछ भी नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में सारी स्थिति को समझकर एक स्वस्थ क्रांति के लिए भूमिका प्रस्तुत करना प्रचार तंत्र का दायित्व होता है। उस दायित्व का निर्वाह करने पर भव्य भारत की संरचना हो सकती है। हर हर महादेव।